अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे व्हाट इज़ आई आज की हमारी वीडियो कंप्लीट डिटेल के साथ एसएसबी के हवाले से है तो आप सब इस वीडियो को कंप्लीट तक देख लें ताकि आप सब जान लें कि एसएसबी में क्या होते हैं और इस बी किस चीज़ को कहते हैं तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें और ये लिंक अपने फ्रेंड से भी शेयर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके और उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके तो सबसे पहले बहुत सारे कैंडिडेट्स का एक ये क्वेश्चन होते हैं कि एस एस बी के लिए हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आप सबका यही क्वेश्चन क्लियर करूँ एस एस बी के लिए कोई भी डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता एस एस बी के लिए सबसे पहले आपको इनिशियल टेस्ट देने होंगे चाहे वो आप आर्मी में दें चाहे आप एयरफोर्स में दें चाहे नेवी में दें और मैं आप सबको ये भी बताता चलो जाऊंगा आज कि आप किस यानी अगर आपने एफ एस प्री मेडिकल किए हैं तो आप कौन सा टेस्ट दे सकते हैं कौन सा नहीं अगर किसी कैंडिडेट्स ने एफ किया हुआ है सबसे पहले मैं आप सबको ये बताऊं कि जिस कैंडिडेट्स ने एफ है तो वो पी कमीशन में इनिशियल टेस्ट दे सकते हैं और वो एस तक पहुँच सकते हैं एस दे सकते हैं और किसी ने बी ए किया हुआ है तो वो भी पी एम ए में अप्लाई कर सकते हैं एस एस बी दे सकते हैं अगर किसी ने आई कॉम किया है तो वो भी एस एस बी दे सकते हैं इनिशियल डेज दे सकते हैं अगर इसके अलावा जिसने प्री मेडिकल किया है प्री इंजीनियरिंग किया है और आई आई सी एस किया हुआ है तो वो सब पी एम ए में अप्लाई कर सकते हैं उसके अलावा जीडीपी में भी अप्लाई कर सकते हैं सी में भी अप्लाई कर सकते हैं यानी सी वाले मैथ जिसने इंजीनियरिंग की हुई होती है तो वो सी में अप्लाई कर सकते हैं एफएससी प्री मेडिकल वाले जीडीपी में अप्लाई कर सकते हैं प्री इंजीनियरिंग वाले भी जीडीपी में अप्लाई कर सकते हैं तो ये कुछ कम ये डिटाइल बता रहे ये हमारे लिए ज़रूरी है उसके बाद हम आ एस के बारे में आप सबको गाइड करेंगे आगे डिटाइल से आज इन उसके अलावा पी एन केडेट पाकिस्तान नेवी उसमें सिर्फ आई और प्री इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट प्री मेडिकल वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो पाक नेवी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो उम्मीद है कि आप सब सबके ये क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे और उसके अलावा बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन होता हैं क्या हम मेट्रिक बेस पे एस दे सकते हैं तो आप मेट्रिक बेस पर एस नहीं दे सकते हैं आपको एफ एस सी एफ ए प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग यह आपको लाजमी करनी होगी तो फिर आप एस एस बी दे सकते हैं तो सबसे पहले बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेश्चन होता है एस एस बी क्यों ली जाती हैं एस एस बी क्या है और एस एस बी में मेन टेस्ट क्या होते हैं तो आज की हमारी वीडियो कम्प्लीट इस हवाले से है यानी मैं आपको चार दिन का जो शेड्यूल होता है उस हवाले से आज सिर्फ गाइड करो कि एस में ये ये चीज़ें पूछे जाते हैं फिर उस एक एक टॉपिक पे हम हाँ अलग सा वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोगों को एस एस बी की फुल डिटाइल मिल सके कंप्लीट गाइडनेस मिल सके और कंप्लीट तैयारी आप लोग कर सकें तो सबसे पहला जो आई सी एस बी आई बी की है इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड तो सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज आईसीस बी बी क्या है दूसरा क्वेश्चन वो वाई एस एस बी यानी हमसे एस एस बी क्यों ली जाती है तो ये इन पर हम डिटेल से आके डिस्कस करते हैं मेन टेस्ट ऑफ आईसी बी एस एस बी के मेन टेस्ट कौन से हैं हु कैंडिडेट सेलेक्टेड एस एस बी में कितने कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं तो इस पर भी हम आगे डिस्कस करते हैं ये तो हमने क्वेश्चन नोट किए कि जो कैंडिडेट्स क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके रिलेटेड आज हम कंप्लीट एक वीडियो में आप सबसे तफसील के साथ बता रहे हैं ताकि आपको हमेशा के लिए इसका कंसेप्ट क्लियर हो सके क्वेश्चन क्वेश्चन फाइव हो मैनी टाइप ऑफ टेस्ट इन एस एस बी तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए क्वेश्चन क्योंकि इसका आपको लाजमी पता होना चाहिए क्योंकि जब आप एस के लिए जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको लाजमी पता होना चाहिए कि एस में क्या क्या होते हैं ताकि आप एस से पहले इन क्वेश्चन को तैयार कर लें उसके बाद सबसे पहला व्हाट इज एस एस बी द इंटर सर्विस सेलेक्शन बोर्ड इज ए कमेटी फॉर द सिलेक्शन ऑफ अ कमीशन ऑफिसर इन यानी अगर आप आर्मी पाक आर्मी पाक एयरफोर्स पाक नेवी में इज़ एक कमिश्नर ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उस हवाले से आपसे इनिशियल टेस्ट के बाद इनिशियल इंटरव्यू के बाद एस एस बी ली जाती हैं, एस एस बी क्यों ली जाती हैं? नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आ रहा है उस पर हम डिस्कस करते हैं वो है एस एस बी एस एस बी क्यों लेते हैं ऑल्सो प्रोसेस फिजिकल मेंटल सोशल एंड डायनेमिक्स क्वालिटीज टू मेक सक्सेसफुल लीडर्स ड्यूरिंग पीस एंड वॉर यानी इस भी हमसे इसलिए लिए जाती हैं हमारा मेंटल लेवल चेक करते हैं इसमें और इसके अलावा इस ये बंदी की जहन चेक करते हैं हमारी पॉजिटिविटी चेक करते हैं हमारी नेगेटिविटी चेक करते हैं हमारा अखलाक चेक करते हैं हमारा रवैया चेक करते हैं यानी बहुत सारे क्वालिटीज हैं जो एस एस बी में हमसे चेक किए जाएंगे यानी कि ये बंदा अगर हम इसको सेलेक्ट कर ले ऑफिसर बना दें क्या वो किसी जंग में एक ऑफिसर के लिए साबित हो सकते हैं आफ़ीसर लीडर यानी अगर आप लीडरशिप नहीं कर सकते ठीक है तो ये चीज़ें जो है ना एस एस बी की मैं आपके चेक करते हैं कि क्या अगर हम इस बंदे को सिलेक्ट कर ले क्या वो जंग में ठीक है या किसी अमन में तो वो एक ऑफिसर के तौर पर खुद को साबित कर सकते हैं या नहीं तो अगर आप एस में इन चीज़ों पर अमल करके दिखाएं, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऑफिसर बनने के नहीं आप अपने आप में पॉजिटिविटी लाएं, मेंटल तौर पर भी अच्छे रहें अच्छा सोचें अच्छे काम करें दूसरों के साथ अच्छा रहें किसी में कोई फ़र्क ना करें और ख़ूब मेहनत करें और पांच वक्त नमाज पढ़े तो आपको जरूर कामयाबी मिलेगी इनशाला और तीसरा जो पॉइंट है हुमेनी कैंडिडेट सिलेक्टेड इन एस एस बी एस एस बी इज फुलफुल्ग द अनचेलेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई सलेक्टिंग पोटेंशियल ऑफिसर्स फॉर द डिफेंस फोर्स ऑफ पाकिस्तान द प्रेजेंट कैपेसिटी इज टू अटैच मैक्सिमम ऑफ थर्टी हंड्रेड कैंडिडेट्स सॉरी थ्री हंड्रेड कैंडिडेट्स फॉर ए बैच ऑफ फोर डेज दियर बाई है ट्वेंटी थाउजेंड कैंडिडेट्स इन एयर यानी अगर हम किसी बैच में हमें बुलाते हैं तो उस बैच में तीन सौ कैंडिडेट्स मुश्तमिल होते हैं और पूरे साल में ट्वेंटी थाउजेंड कैंडिडेट्स इस बी लिया जाता है इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता और इसके अलावा वो मैनी कैंडिडेट सेलेक्टेड निशेज बी तो देखिए आप सबको मैं इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर दूं कि जब भी कोई कोर्स अनाउंस होता है मिसाल के तौर पर पीएमए का कोर्स अनाउंस होता है तो वो पाँच से लेकर 600 सीट अनाउंस होते हैं कम भी हो सकते हैं इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम 500-600 इसके अलावा एयरफोर्स के भी 100 अस्सी इतने जो है ना वैकेंसी जो है अनाउंस हो जाते हैं कमीशन के तौर पर बाकी जो सोल्जर होते हैं रोटरेट हो गया सेलर हो गया सोल्जर तो इसके तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन ये कमीशन के मैं बता रहा हूँ आप सबको और इसके अलावा नेवी के हो गए पी एन तो उसके भी 200 200 कितने जो है न वैकेंसी अनाउंस होते हैं जो हमारा चौथा नंबर पॉइंट है मेन टेस्ट ऑफ एस एस बी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा ठीक है इसमें हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं और इसमें हम जान सकते हैं कि एस एस बी में क्या क्या होता है तो ये फुल डिटेल आज, आज आप सबसे मैं शेयर कर रहा हूँ तो कंप्लीट आप सब इसको याद कर ले ठीक है और इंशाल्लाह हम हर एक टॉपिक पे मैं अलग अलग सी वीडियो बनाऊँगा ताकि आप सबको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके और आप कंप्लीट तैयारी कर सकिए और आप एस एस बी में कामयाबी हासिल कर सकें इन द दिलेक्शन टिकनिक इज़ फॉलोड बाई दिस बी इन थ्री डायमेंशनल ऑल कैंडिडेट्स एपेयरिंग बिफोर द एस एस बी और टू टेक थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट ये तीनों यानी जित एस एस बी में वैसे बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं लेकिन उनको इन तीन टेस्टों पर मुश्तमिल किया हुआ है सारे टेस्ट यानी अगर पेसिकोलोजिस्ट टेस्ट हैं सबसे पहला तो इसमें पाँचे किस्म के टेस्ट होंगे जो आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन से कौन से डिस्कस टेस्ट होते हैं जी टी जीटीओ जी टी ओ टेस्ट तो इसमें भी कौन से कौन से टेस्ट होते हैं आगे हम आपसे कंप्लीट डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं इंटरव्यू इंटरव्यू कितने होते हैं उधर ये भी हम complete discuss कर रहे हैं और इंटरव्यू के हवाले से जिस एस में इंटरव्यू होती है इंटर्यू, इंटर्यू, इस पर पर भी हम अलग-अलग से बनाएंगे, वहां पर से बनाएंगे ताकि आपसे कौन पूछे जाएंगे, यानी कितना इंटरव्यू होता है कितने टाइम होता है ये भी कंप्लीट डिटेल आप सबको मैं इंशाला नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा हु मैनी टाइप ऑफ टेस्ट इन फिजिकोलॉजी टेस्ट तो सबसे पहले यही आप सबको मैंने पिछली एक टॉपिक में बताया था कि बेसिकॉलोजी टेस्ट में मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं मुख्तलिफ टेस्ट हमसे लिए जाते हैं सबसे पहला जो टेस्ट होता है सेंटेंस कंप्लीशन ठीक है सेंटेंस कंप्लीशन में फिर जो है ना इंग्लिश में भी होते हैं और उर्दू में भी होते हैं आपने आपको आधा सेंटेंस दिया होगा वो आपने कंप्लीट करना होगा ये कितने सेंटेंस होते हैं और कितना टाइम होता है इस पर हम कंप्लीट से एक वीडियो बनाएंगे और उसके साथ हम सॉल्व हमारे पास पड़े पास पेपर, वो भी हम आप सबसे शेयर करेंगे ताकि आप तैयारी भी करें साथ साथ और कामयाबी हासिल कर लें इनशा नेक्स्ट जो हमारा नंबर पॉइंट टू वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट यह हमारे लिए सेंटेंस कंप्लीशन वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट ये मैं आप सबको बताऊं कि आपने किस तरह इसका आंसर जल्दी से देना है यानी टाइम कब होता है हमारे लिए इन टेस्टों में यानी आपके जहन में जो भी आता है वही आप फौरन लिखें और ख़ूबसूरत लिखें शॉर्ट कट कर्ट लिखें कटिंग ना करें स्पेलिंग में गलती ना करें और किसी का रटा ना लगाएं कॉपी ना करें किसी का तो आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं अगर आप ख़ुद से लिखें आपका जहन चेक किया जाता है यहाँ पर तो आपके जहन सबसे ज़्यादा कामयाबी आपके जहन पे है अगर आप चाहते कि मैं रिकमेंड हो जाऊँ तो आप अपनी जहन बता दें दूसरे का रट्टा लगाएंगे कापी करेंगे तो वो तो आप दूसरे का लिख रहे हैं आपका जो आप सोच रहे हैं खुद वो तो इसमें नहीं है शामिल तो आप ऐसा करें कि आप जो खुद सोच रहे हैं वही आप लिख लें पिक्चर स्टोरी पिक्चर स्टोरी कितने होते हैं ठीक है और इसके लिए कितना टाइम होता है बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो तो ये समझ तो आ रहा है कि सेंटेंस कंप्लीशन पढ़ने में तो अभी सबको जो है ना समझ आता है कि ये सेंटेंस कंप्लीशन वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट पिक्चर स्टोरी लेकिन ये समझ नहीं आता होगा कि इसको हमने किस तरह जो है ना सॉल्व करना है और इसमें क्या होता है पिक्चर स्टोरी अब ये बहुत सारे जो है ना कैंडिडेट्स को समझ भी नहीं आती होगी कि अब इसमें है क्या तो नेक्स्ट हम इस पर डिटेल से वीडियो बनाएंगे इनशाला और इसमें हम आपको गाइड भी करेंगे कि इसमें कितना टाइम होता है और कितने लाइन आपने इस पर लिखने ठीक है इतनी तो आपको अभी इन जो भी मैं बता रहा हूँ यानी मैं इसलिए डिटेल से नहीं जा रहा हूँ अगर मैं आप लोगों को यानी दस पंद्रह मिनट में नहीं बता सकता यानी चार पाँच दिन के एस भी जब होते हैं तो इसको गाइड करने में और आप सबको टिप्स देने में काफ़ी टाइम लगता है इसलिए मैं सिर्फ आज बता रहा हूँ कि सी में ये ये चीज़ें होते हैं उसके अलावा हम अलग अलग से डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक पर तो उसके सॉलवेट पेपर भी आपसे शेयर करेंगे इनशा पॉइंट स्टोरी देख ये तो अभी पढ़ने में मैंने भी पढ़ लिया और आप भी देख रहे हैं और आप भी पढ़ रहे हैं लेकिन ये समझ नहीं आता होगा कि इसमें क्या लिख रहे हैं हमने तो इस पर भी हम अलग सा डिस्कस करेंगे इनशाला साथ हमने कितने होते हैं ठीक है कितने टाइम है और हम सॉलवेट पॉइंट पाँट, पॉइंट स्टोरी भी आप सबसे अपलोड करेंगे इनशाला इनशाला हमारी कोशिश है ये अभी हमारा तो स्टार्ट है सबसे पहला वीडियो आज हमारा एस एस बी के हवाले से क्योंकि पहले हम इनिशियल के हवाले से वीडियो अपलोड कर रहे थे तो वो इनशाला से कंप्लीट हो गए अब मेडिकल के कुछ रहते हैं वीडियो और फिजिकल के हवाले से तो आज से इनशाला हम एस एस बी की तैयारी स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए एस एस बी में कामयाबी हासिल करनी है सबसे मेन चीज़ पहले आपका टेस्ट है अगर आप टेस्ट क्लियर करेंगे इनिशियल तो आप एस एस बी तक पहुँच सकते हैं अगर आप इनिशियल टेस्ट नहीं कर क्लियर करेंगे तो आप एस तक पहुंच नहीं सकते तो इनशाला हमारे आपके साथ कोशिश है आप इनिशियल भी क्लियर करेंगे और एस एस बी में भी इनशाला तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एस एस बी है तो इसकी तैयारी हम भरपूर कोशिश के साथ करेंगे इनशाला आप सबने मेहनत करना है इनशाला मेहनत करेंगे तो मेहनत का सिला अल्लाह पाक आपको जरूर देगा इनशाला सेल्फ डिस्क्रिप्शन इस पर भी हम यानी देखो मैंने आप सबको बताया कि मैं हर एक टॉपिक बता रहा हूँ तो इस यानी आप इस बी में ये चीजें होते हैं ये बता रहा हूँ आज लेकिन अलग से चीजें हर एक टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे ठीक है ताकि आप तैयारी कर सके मेहनत कर सकें और आप कामयाबी हासिल कर सकें इनशा मकैनिकल एम्पलीट्यूड टेस्ट तो इस हवाले से भी हम इम्पोर्टेंट इंशाल्लाह शाह एक वीडियो आप सबसे शेयर करेंगे यानी हर एक टॉपिक में इनशालायर करूंगा जी टी ओर टास्क इनडोर टास्क आउटडोर टास्क और फिर मैं इसमें जो है ना इनडोर टास्क में क्या है आउटडोर टास्क में कौन से कौन से टास्क होते हैं ठीक है तो इस पर हम आगे डिस्कस करते हैं इंडोर टास्क सबसे पहला जो इंडोर टास्क में जो टेस्ट होता है ग्रुप डिस्कशन एक ग्रुप डिस्कशन होती है तो इस पर भी हम कंप्लीट अलग से क्यों सेपरेट वीडियो बनाएंगे इन नंबर टू लेक्चर टॉपिक आपको एक टॉपिक दिया जाएगा आप उस पर लेक्चर देंगे ठीक है और लेक्चर कौन कौन सा होता है ठीक है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे ये तो आज हमारा पहला स्टार्ट है आवा, आज हम जो है ना सिर्फ बता रहे कि एस क्या है में क्या होता है क्या पूछा जाता है कौन से टेस्ट होते हैं इंशाल्लाह फिर डिटेल तो आगे हम बताएंगे पॉइंट नंबर थ्री मिलिट्री प्लानिंग और ग्रुप प्लानिंग इस पर भी हम इंशाल्लाह आप सब से डिस्कस करेंगे और डो टास्क इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क इंशाल्लाह हर एक ग्रुप पे यानी हर एक टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे यानी पास्ट पेपर हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है मटेरियल की पास्ट पेपर भी पड़े गाइड नोट्स हम जब जैसे आप इनिशियल टेस्ट हमारे ग्रुप से पास करेंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप सब ऐड है ना तो इन जैसे आप टेस्ट पास करते तो आपको हम एस ग्रुप में ऐड करेंगे एस ग्रुप में ऐड करने के बाद आपको हम नोट्स भी सेंड करेंगे पास्ट पेपर भी सेंड करेंगे और बिल्कुल फ्री कोई फीस नहीं होगी इनशाला क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर टू ये टॉपिक नंबर टू हॉल ग्रुप टास्क इस पर भी हम डिस्कस करेंगे कमांड टास्क ये देखो पढ़ने में तो आसान है इंग्लिश में हर बंदा पढ़ लेता है लेकिन ये नहीं पता कि इंडिविजुअल टास्क फाइनल ग्रुप टास्क ये तो न्यू कैंडिडेट्स अगर ये देखेंगे ठीक है पढ़ने में तो उसको आ जाते हैं कि कमांड टास्क इंडिविजुअल टास्क फाइनल ग्रुप टास्क लेकिन उसको यह समझ नहीं आती होगी कि इसमें होता क्या है तो यह हमारे लिए बहुत जरूरी है अगर आप इस एस बी के लिए जाए अगर आपको इस चीज का पता नहीं कम टास्क में होता क्या है फिर आप वहां क्या करेंगे इस एस बी में तो इनशाला आप कंप्लीट हर एक टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे हर एक टॉपिक में जो जो कुछ पूछा जाते हैं पास्ट पेपर वो भी आप सबसे यहां पर अपलोड करेंगे ठीक है और इसके अलावा इंडिविजुअल टास्क इस पर भी इनशाला इसमें कौन से कौन से वो होते हैं एन टी टास्क तो ये कंप्लीट गाइड देंगे आप सबको इन शह मैंने एक वीडियो इसके बारे में शेयर भी की थी वो भी आप सब देख सकते हैं लेकिन इसके अलावा हम अलग सा जो है ना टॉपिक इस पर डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर फाइव फाइनल ग्रुप टास्क इस पर भी इनशाला हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यूज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एंटरव्यू है एस में चाहे फिजिकोलॉजी इंटरव्यू है चाहे डिप्टी प्रेसिडेंट इंटरव्यू है दोनों आपकी कामयाबी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप इनमें कामयाबी से उतरे ना ये नहीं तो आप रिकमेंड तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है क्या नहीं पूछा जाता इसमें हम हाँ कंप्लीट क्योंकि मैं आप सबसे आज सिर्फ बता रहा हूँ कि ये ये चीजें एस में होंगे तो कंप्लीट हर एक टॉपिक पे अगर हम डिस्कस करना शुरू कर दें तो हमारे दो तीन घंटे भी लग जाएंगे एक वीडियो पे तो फिर इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जब भी एक टॉपिक पे स्टडी करो ताकि आपकी उस पर दस पंद्रह मिनट लगे अभी अगर मैं दो तीन घंटे की वीडियो बनाऊँ तो फिर आपको वीडियो लंबी नजर आएगी फिर आपको ये समझ नहीं आएगी कि मैं इसको कंप्लीट कैसे देखूँ तो अब आप हर आर हर एक टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आप उसको जिस वक्त भी एक टॉपिक पर वीडियो देखो चाहे दिन में दो देखो तीन देखो फिर उसमें आपको फायदा होगा ठीक है इनशाला सिकॉलेज इंटरव्यू रिट्यू इंटरव्यू यानी ये, इंटर्यू, इंटर्यू, ये हर एक कैंडिडेट से तीस तीस चालीस चालीस मिनट का एक पच्चीस मिनट का इंटरव्यू लिया जाते हैं तो इसमें आप कैसे कामयाबी हासिल करेंगे और इसमें क्या क्या पूछा जाता है कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस पर इनशाला तो अभी मैंने शुरू में भी कहा था कि हमारा तो स्टार्ट है एस की तैयारी अब हम आगे जो है ना देख लेंगे इनशा अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए ए एस है रिकमेंडेड के लिए अलहमदिल्ला पिछली बार हमने वन फॉर नाइन कोर्स में कोई यूट्यूब चैनल वगैरह नहीं बनाए थे लेकिन वाट्सअप ग्रुप में हम डिस्कस कर देते हैं उधर भी मैं डिस्कस करूँगा आप बिल्कुल कोई भी परेशान ना हो मैं वाइज भी करूँगा मैं गाइड भी करूँगा आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊँगा हर एक चीज़ आप लोगों की क्लियर करूँगा इनशाला और साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे ठीक है पास पेपर भी मिलेंगे हर एक चीज़ मिलेगी बिल्कुल टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी यानी उस वक्त ना हमारी चैनल थी ठीक है अलहमद ला सिक्सटीन कैंडिडेट्स वन फोर नाइन कोर्स में रिकमेंडेड हो गए और उनको लेटर भी मिल गई है तो इन आप सब भी उनसे कम नहीं है आप भी कामयाब हो सकते हैं उसके अलावा नहीं मैंने पहले भी बताया कि अगर आपने एफ़ किया हुआ है तो एफ बेस पे आप पी एम का टेस्ट दे सकते हैं बाकी कोर्स जो है ना एयरफोर्स जी डी पी पाक नेवी पी कैडेट ये टेस्ट आप एफ बेस पे नहीं दे सकते हैं अगर आपने एफ सी किए हैं प्री मेडिकल तो आप नेवी का टेस्ट नहीं दे सकते हैं अगर आपने एफ मेडिकल किए हैं तो आप पी एम ए का टेस्ट दे सकते हैं आप जी डी पी का टेस्ट दे सकते हैं अगर आपने आईसीएस किया हुआ है कंप्यूटर साइंस आईसीएस किया है और इसके बाद उसके अलावा इंजीनियरिंग की हुई है तो आप जो है ना आर्मी में भी अप्लाई कर सकते हैं पीएमए में और जी डी पी में भी अप्लाई कर सकते हैं और पी एम में भी अप्लाई कर सकते हैं तीनों कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं सीएई में भी अप्लाई कर सकते हैं यानी प्रिंट इंजीनियरिंग वाले जी में भी अप्लाई कर सकते हैं और सी में भी अप्लाई कर सकते हैं और हाँ इसके अलावा जिसने बी किया तो वो भी पी में अप्लाई कर सकते हैं और जिसने मेट्रिक किया है तो वो एस एस नहीं दे सकता ठीक है और एस एस के लिए कोई डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता शुरू में मैंने आप सबको गाइड किया वो आप सब देख ले कि आपको पहले इनिशियल टेस्ट देना होगा इनिशियल टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू देनी होगी इन इनिशियल टेस्ट के साथ पहले मेडिकल होते हैं मेडिकल के बाद आपका फिज़िकल होता है फिजिकल के बाद आपका इंटरव्यू होते हैं और सबसे ज़रूरी चीज़ ये आपको बताऊँ कि एयरफोर्स का फिज़िकल नहीं होता ठीक है इन तो पी एन पी एन कैडेट नेवी का भी फिजिकल होता है आर्मी का भी फिजिकल होता है लेकिन सिर्फ एयरफोर्स का नहीं होता चाहे आप मेट्रिक बेस पे टेस्ट दें चाहे पी एस बेस पे टेस्ट दें चाहे आप ग्रेजुएशन बेस पे टेस्ट दें तो आपका फिजिकल नहीं होगा ये सब ये पॉइंट सबकी क्लियर हो हो गई और उसके अलावा जिसकी हाई क्वालिफिकेशन है यानी किसी ने ग्रेजुएशन किए हैं किसी ने मास्टर किए हुए हैं बी एस किए हुए फोर ईयर डिग्री तो उस पर हम कंप्लीट गाइड करेंगे आप सबको क्या आप सब कौन से कोर्स में अप्लाई कर सकते हैं और कौन से में नहीं तो इन अभी तो हमारी चैनल न्यू है भी हमारा स्टार्ट है तो इन शह अब हम आपके साथ हमेशा के लिए जुड़े रहेंगे और आप कामयाबी के लिए हम इनशा भरपूर कोशिश करेंगे आप लोगों ने कोशिश करना है मेहनत करना है मेहनत के बगैर कामयाबी हासिल नहीं हो सकती अगर आप वैसे बगैर मेहनत के आप टेस्ट देते हैं एस एस बी के लिए जाते हैं पढ़ते नहीं हैं तो फिर और आप किसी से गाइड नहीं गाइडलाइन नहीं लेते हैं ठीक है गाइडलाइन आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप किसी से ये नहीं यानी कुछ मशवरा ले कि अब मैं एस एस बी में वो कौन से पॉइंट हैं जो मैं कामयाबी हासिल कर सकता हूँ तो उस पर भी अब मैं इंशाल्लाह वीडियो भी बनाऊंगा और आप सबको मैं रोज़ रोज ग्रुप में भी जो है ना वॉइस मैसेज करता हूँ वो भी सुना करो आपके लिए फ़ायदा मंद साबित हैं हो सकते हैं वो एस एस बी के लिए आपकी पूरी जिंदगी के लिए इंशाल्लाह तो इसके अलावा वीडियो लंबी होती जा रही है बातें आप सबको जो है ना मैं बहुत कर सकता हूँ ताकि आप सब कामयाब हो जाएं लेकिन इनशाला नेक्स्ट वीडियो में हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग इस, इस बी में कामयाबी खासिल कर सकें इनशाला नेक्स्ट वीडियो में हम आप सबसे मिलते हैं तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि हम कामयाबी हासिल करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसको फ़ौर देख लें तो इसके लिए आपको वीडियो सब्सक्राइब करनी होगी तो आपको हमारे हर न्यू वीडियो तब मिल सकते हैं अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है अब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं व्हाट्सएप बॉयज़ के लिए भी है और फीमेल के लिए भी सेपरेट ग्रुप है तो इस सामने मेरे नंबर किए हुए हैं इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री आपको नोट्स मिलेंगे पास्ट पेपर मिलेंगे बग़ैर किसी फीस के अल्लाह हाफिज़